हेलो गाइस, मेरा नाम है यमन और आज का हमारा वीडियो है इलेक्ट्रो डांस स्टाइल पर। और आज के इस वीडियो में आप सीखोगे स्लाइड मूव। इलेक्ट्रो डांस स्टाइल के अंदर एक मूव होता है जिसका नाम है स्लाइड, और स्लाइड के हम सभी वेरिएशन देखेंगे और इसे आप सीखोगे। तो सबसे पहले यदि आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो आई बटन पर क्लिक कीजिए और प्रीवियस वीडियो देखिए, जिसके अंदर मैंने बताया है इलेक्ट्रो डांस स्टाइल क्या होता है और जो भी उससे बेस्ट रिलेटेड एक्सरसाइज है वो बताई है मैंने। तो आप पहले उन वीडियो को देख लीजिए, जो हमारे दो वीडियो हैं उन वीडियो को देखिए और फिर इस वीडियो से स्टार्ट। तो इलेक्ट्रो डांस स्टाइल के अंदर जो स्लाइड का कॉन्सेप्ट है, उसके अंदर आपको अपने हैंड्स का यूज़ करना होगा और इस हैंड्स की हेल्प से आपको सिर्फ स्लाइड करना होगा। अब जिस तरीके से स्लाइड करोगे वो एप्लीकेबल होगा तभी तक जब तक कि आपके जो हैंड है वो एक दूसरे से टच हो या क्लोज हो। आपको याद रखना होगा हमेशा कि आपके जो हैंड है वो टच होना चाहिए या तो फिर वो बहुत क्लोज हो एक दूसरे के। तो ये इसका कॉन्सेप्ट है और आपको कोशिश करना होगा कि आपको ये पहले स्टार्टिंग में धीरे धीरे से ट्राई कीजिए, फिर आपको स्पीड बढ़ानी होगी क्योंकि जो इलेक्ट्रो डांस स्टाइल है उसके अंदर स्पीड बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको स्पीड पर काम करना होगा। सबसे पहले आप ये मूव सीखिए, फिर उसके बाद आप स्पीड गेन करने की कोशिश कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले अपने हाथों को इस तरीके से बेंड कीजिए, आपके हाथ का जो एंगल है वो 90 डिग्री होना चाहिए और ये 90 डिग्री एंगल ही इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले अपने हाथों को बेंड कीजिए। अब अपने दूसरे हाथ को स्लाइड कीजिए अपने पहले वाले हाथ पर और ट्राई कीजिए सर ऊपर स्लाइड करने के लिए, फिर नीचे लेके आइए, फिर स्लाइड कीजिए। इस तरीके से आपको स्लाइड करना होगा। आपको ये एक्सरसाइज बहुत हैंड से करनी होगी और इसे आपको 2-2 मिनट तक करना होगा। तो पहले अपने हाथ इस तरीके से रखिए और फिर एक दूसरे के ऊपर स्लाइड, फिर अपने हाथों को चेंज करते हुए इस तरीके से स्लाइड कीजिए। आपको सिंपली स्लाइड करना है अपने हाथों को इस तरीके से बस। अब यहाँ पर आपको आपकी स्पीड को इंक्रीज करना होगा और इसे हम स्लाइड मूव बोलते हैं। ये स्लाइड मूव का ही एक वेरिएशन है। अपने हाथों को इस तरीके से रखिए और अब इसे ऊपर की ओर स्लाइड कीजिए। अब वापस से आप हाथ चेंज करके स्लाइड कीजिए और आपको ऐसा लगातार करना होगा और इसे आपको फास्ट करने की कोशिश करनी होगी और इसे भी आपको 5 मिनट तक करना होगा। जैसे हमने फ्रंट में हाथ रख के किया था सेम वैसे ही आपको अब ऊपर हाथ रख के इसे स्लाइड करना होगा। ये भी आपका एक डांस मूव है, ये भी स्लाइड का ही एक वेरिएशन है। तो पहले एल्बो पे एल्बो रखिए, फिर अपने हाथों को घुमाइए और फिर वापस से स्लाइड कीजिए। अपने हाथों को इस तरीके से रखिए, अब अपने एल्बो पे लाइए, फिर ट्विस्ट कीजिए, फिर वापस से रिवर्स कीजिए। इस तरीके से आपको लगातार करना होगा और जब तक आप इसमें इसे याद ना कर ले और इसमें आपको याद करने के बाद इसकी स्पीड बढ़ानी होगी। आप चाहें तो बीच में आपकी जो पाम है उसे बंद भी कर सकते हैं, फेस बना सकते हैं। अब चाहें तो अपनी पाम को बंद करके मुट्ठी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। आपको सिर्फ यहाँ पर अपनी स्पीड पर काम करना होगा। सबसे पहले आप इन सभी एक्सरसाइज को याद कर लीजिए और फिर एक साथ इन्हें परफॉर्म कीजिए हर दिन। हर दिन आपको ये लगातार करना होगा। 5-5 मिनट सभी एक्सरसाइज को कीजिए और इसे 3 टाइम तक कीजिए। तो गाइस, इस डांस स्टाइल को सीखने के लिए सबसे पहले आपको एक्सरसाइज सीखनी होगी जो कि हमने प्रीवियस वीडियो में बताई थी। आप उन एक्सरसाइज को सीखिए, फिर देन इसके बाद ये मूव को ट्राई कीजिए। सबसे पहले आपको 1 वीक तक वो एक्सरसाइज करनी होगी, लगातार आप उस एक्सरसाइज को कीजिए और उसके बाद इस मूव को सीखने की कोशिश कीजिए। आज का हमारा वीडियो इतना ही था। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। यदि कुछ प्रॉब्लम है तो कमेंट कीजिए और यदि आप न्यू हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तब हमको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।